वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, बैठा सोनी पात सहा, बैठा सोनी पात सहा, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोनी पात सहा, रामदास सतगुरु पूरब।
अजही की वत करे रहावे। करही की वत करे रहावे, बैठा सोनी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोनी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोनी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोनी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। तेरा अंत न पारावारिया,
Oh,
बाहर सजा दूरे हर दूड़ी नये मैं गवाये हर दूड़ी नये मैं गवाये जन्म मरण तन 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 जन आया
तन 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 जन आया, जिस पर साध सब जग ने तराया, जिस पर साध सब जग ने तराया, जिस पर साध सब जग ने तराया, तन 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 जन आया, तन 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 जन आया, तन 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 जन
प्यारी साध संगत जीओ, गुरु साहब ने तुट के बख्शिश की जो आप संगत के दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। वीर जी होना दा भी बहुत बहुत धन्यवाद, आई संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। असीस बख्शना इसी तरह आप जी के दर्शन की तारी करते रहिए। होइया भुला चुका दिखी मां, आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सत्कारयोग भैन अमरजीत कौर जी नूर, जिन्हां दे जत्थे पासों रब्बी रस भिन्ना कीर्तन आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण कर रहे सो, सतगुरां दी अपार बख्शिश है। पंथ प्रसिद्ध यह भैणा दा बीबी अमरजीत कौर जी नूर जी दा यह जत्था पंथ दियां उगियां स्टेजां ते सेवावां निभा के संगतां नूं जिथे गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़दे ने, इहदे नाल नाल सिखलाई दी सिख्या भी भैन जी इह वंड के इह कीर्तन दी दात अगे भी वरताउंदे ने। गुरु रामदास पातशाह इसे तरह मेहर भरे हथ रख के समुचे जत्थे नूं चढ़दी कला विच अपने दर घर की सेवा करन दा बल बख्शन। नाल ही मैं निम्रता सहित बेनती करांगा सिख पंथ दे महान विद्वान जिन्हां नूं पंथ दियां सारियां ही उगियां स्टेजां ते आप जी कथा राहीं सरवण करदे हो। मेरे कहण तो मुराद ज्ञानी किशन सिंह जी संतन की कुटिया वाले वह साडे विच पहुंचे हुए ने। निम्रता सहित बेनती करांगा स्टेज ते सज्जन की कृपालता करन। अज समुचा ही संसार जिथे भावना नाल इस स्थान ते सुरत टिका के गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे आउण वाले 19 अक्टूबर के प्रकाश पुरबां नूं समर्पित इस लड़ीवार समागमां दी हाजरी जिथे आप जी तन मन करके इत्थे हाजर हो, उत्थे मीडिया चैनलां दे राहीं देश विदेश दीआं संगतां इन्हां समागमां दीआं हाजरियां लवा रहीआं ने। 19 अक्टूबर नूं धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दा पावन प्रकाश दिहाड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब के समुचे प्रबंध वल्लों समूह सिंह सभा सभा सोसाइटियां संतां महापुरखां कार सेवा वाले महापुरखां निहंग सिंह जथेबंदियां समूह संगतां ते समुचे खालसा पंथ दे सहयोग दे नाल खालसा ही जाहो जलाल नाल बड़ी चढ़दी कला च मनाउणा है। इस लड़ी दे विच जो 15 सितंबर तो यह समागम चल रहे सी, अज गुरद्वारा सिंह सभा दर्शन एवेन्यू आप सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरियां लवा रहे हो। साउंड वाले वीरां नूं बेनती करांगे कि ज्ञानी जी दे वास्ते ये साउंड सैट करन दी कृपालता करन। मिस्टर सिंह प्रोडक्शन वाले वीर इस दे नाल गुरसिख प्यारे अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आई टी विंग ये लाइव टैलीकास्ट आपो अपने चैनलों ते करके संगतां नूं गुरु चरणां नाल जोड़ रहे ने। इस स्थान की प्रबंधक कमेटी सरप्रस्त सरदार सुखदेव सिंह जी, मुख्य सेवादार सरदार जोगिंदर सिंह जी, सकत्र सरदार लखबीर सिंह जी, समुची ही प्रबंधक कमेटी ने बहुत सुचजे प्रबंध किए हैं। मैनेजर श्री दरबार साहब तो उचेचे तौर तो सरदार अजय सिंह जी साडे विच पहुंचे हुए ने। इसे तरीके नाल बहुत प्यार वाले खजानची साहब श्री दरबार साहब तो सरदार जसपाल सिंह जी, मैनेजर साहब के सहायक सरदार अमरजीत सिंह जी साडे विच पहुंचे है। अते नाल ही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो जीवन युक्त समागम चलते हैं उन्हां विच जिथे श्री दरबार साहब वालों बहुत प्यारियां सेवावां निभाईआं जांदियां ने ते वड्डा सहयोग रहिंदा है। भाई जसबीर सिंह जी बैंक वाले वीर जी वह भी हाजरियां लवा रहे ने। भाई धर्मजीत सिंह जी अते सारियां संगतां सरदार हीरा सिंह जी, सरदार गुरजीत सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, सरदार कश्मीर सिंह जी, सतनाम सिंह जी समूह प्रबंधक वीर सोहणे उपराले कर रहे ने। आओ अज दा विशा है सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी दियां सिफतां जो भाई गुरदास जी ने बड़े प्यार नाल कीतियां ने। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। आओ बड़े प्यार दे नाल ज्ञानी किशन सिंह जी संतन की कुटिया वाले उन्हां पासों 8:30 बजे तक इस विषय नाल संबंधित विचारां सरवण करदे आं। धन गुरु रामदास पातशाह जी दे चरणां विच अपनी सुरत जोड़न दा यतन करिए कि गुरु रामदास पातशाह साडे ते वी मेहर कर देण कि एक अरदास पाट कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। ते ज्ञानी जी दे सत्कार ते पंथ दी चढ़दी कला एक जकारे राहीं हाजरी लवाईए जी। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा,
वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु 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 ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सो गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए जह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटें खिन, जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, सोए राम दास गुर बल पन, सोए राम दास गुर बल पन, मिल संगत तन तन करो, 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 मिल संगत जह सतगुर लग प्रभ पाए, जह सतगुर लग प्रभ पाए, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो, धन श्री गुरु रामदास जी, 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 धन श्री गुरु रामदास साहिब जी। जगत तारक सतगुरु सिंघासन ते प्रकाशमान हो जान, इंज लगता है जिवें दीन दुनिया की सारी दौलत झोली विच पै जाए, जिन्हां दी पावन संगत विच बैठे हां मन शांत हो जाता है, जिन्हां दे पावन अमोलक दरबार विच बैठदियां ही दुनिया चेते नहीं रहिंदी, दुनिया दा मालक चेते अम लग जाता है, भावें जीवन किहो जिहा भी होवे पर संगत विच बैठ के सतसंगत करदियां ये जिंदगी इस फर्श ते बैठिया अरश की गल करती है। ऐसे दीन दुनी दे मालिक सतगुरु
शतर चवर तखत मालक सतगुरु जो शरण आ जाए उस दी बां फड़ लैन ते छड़न ना कदी। ऐसे सतगुरु तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सारे आखो तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हां दे पावन जन कवलां विच चल रहे लड़ीवार तन श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे आगमन पुरब दे समागम जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजर श्री दरबार साहिब जी वल्लों ते समूह शहर दियां जथेबंदियां संगतां ते गुरु घर दे प्रबंधक साहिबान जी दे इस एकत्रता दे संग विच अज आप जुड़ बैठे हो। आओ साहिब दी रहमत प्राप्त करिए। धन गुरु रामदास पातशाह जी जो बैठा सोटी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै दे पावन विषय नूं छोण तों पहला एक वारी असी अपना आपा फतेह नाल छोईए, अपने आपे नूं फतेह नाल जोड़िए। मैं बेनती करांगा जिन्हें बैठे हो ना, बाकी सारा समां ते चुप करके ही बैठीदा है, पर फतेह बोलन लग्गिया चुप नहीं करीदा। अनगहली ना कदी करिया करो, जदों कोई फतेह बोले बड़े चाव विच उत्साह विच उमां विच भर के आओ प्यार भिंडे बोलां नाल सारे रसना करो सांझी ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिचै पूर्व देवना जिस दी वस्त तिसै करे आवै बैठा सोटी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। उल्टा खेल खसमदा उल्टी गंग समुंदर समावै दिता लिया अपना अन दिता किसे हाथ न आवै फिर आई घर अर्जन है पुत संसारी गुरु कहावै। बड़े ध्यान नाल गल रखियो जानना देसा सोडियो होरस अजर ना जरिया जावै घर ही की वथ करें रहावै। ए सच है उस करते वल्लों पूर्व ही गुरु रामदास महाराज जी दे आगमन वेले ही ए लिख दिता गया। ए पूर्व जो उन्हां दी झोली विच करते बख्शिश पा दित्ती ए ते उन्हां दे सही ए बरकत आएगी ना। मैं बेनती कर दिया पावे भाई जेठा जी जिस बख्शिश रहमत नाल लाहौर शहर विच आगमन करदे ने एक बड़ी अजीब जी खेड सी ए उल्टा खेल खसम दा ए बड़ी उल्टी जी खेड सी। मैं बेनती करा रोलदियां फिरदियां नूं तखत ते बिठा देना बड़ी अजीब खेड सी। भाई गुरदास साहिब जी नूं पुछिया सी एक गल दसो ना ये पला किवें हो गया। ओ भाई लहना जी जेड़े देवी दी यात्रा जान वाले ओ सारे जगत दे पूजक गुरु किवें बन गए। बाबा अमरदास जी जिन्ना 60 साल तक ओ गंगा दी यात्रा वाली जांदे रहे ओ गुरु किवें बन गए। ओ भाई जेठा जी जेड़े कुंगड़ियां वेचदे ते जिन्हां दी कोई बात ही नहीं सी पुछदा ओ सिंघासन ते बैठ के सारी सृष्टि दियां झोलियां भरन वाले गुरु किवें बन गए। उल्टी ये गल किवें हो गई। मैं बेनती करा ते भाई गुरदास साहिब जी कहन लगे मैं तुहानू थोड़ा जिहा दुनिया दा एक नक्शा उलीक के दसदा। चन्नन होवे चन्नन को चलत न जाने दीवा बलदा दीवियों समसर परवाने
पानी रलता पानियो तिस को ना सिंजाने प्रिंगी होवे कीड़ियो केव आख वखाने सप छुड़ंदा कुंजनो क्यों किव कर जाने पीर मुरीदा फिर हड़ी हैरान हैरान है। ये बड़ी हैरानी दी गल है। कहने के पला चंदन ता चलो चंदन होया वो बाकी कक्कर वर्गे टाली वर्गे अंब वर्गे वो सारे पौधे चंदन के में हो गए। ये गल सादी समझ तो बार है। कहन लगे जिमें एक दीवा जगाइए बाकी ते सारे बुझे हुए सी वो दीवे नाल मिलके दूजे दीवे किवें हो जे बन गए। कहंदे ने इसनू असी कोई दलील दे के आखांगे। कहंदे ने एक पानी छोटी जी नाली हुंदा है वो चलदिया चलदिया नदी विच पै जांदा है नदी समुंदर विच पै जांदी वो छोटी जी नाली समुंदर किवें बन गई। कहंदे की दसीए। कहंदे के ए प्रिंगी इक कीड़ा आम कीड़ा है ओ प्रिंगी दी पकड़ विच आया दिन रात उसनू गूंज दिती ओ बोल सुन सुन के कीड़ा प्रिंगी कीड़ा किवें बन गया। कहिंदे ने सप ने कुंज लाई ओ पहली सारी कांचली अपनी त्वचा अपना शरीर उतार दिता अंदरों नवा सप किवें निकल आया। कहिंदे जिवें ए समझ तो बाहर गल है तिवें ही कह लईए। ए धन गुरु रामदास पातशाह जी दे बाबत जे आखिए भी ओ बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे सिंघासन ते बैठ गए। मैं एक अर्ज करांगा ओ धन गुरु रामदास पातशाह जी सिंघासन ते एवें नहीं बैठ गए सेवा करत ना छोड़ियो पास तां ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिवें गुरु अंगद देव जी गुरु नानक दे संग गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी दे संग तिवें धन गुरु रामदास पातशाह जी धन गुरु बख्शिश रहमत गुरु अमरदास जी दी संगत करके भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह बन गए और ऐसे सोढ़ी पातशाह बन गए। मैं बेनती करा उन्हां नूं रामदास सतगुरु आखिया जान लगा। ये सच सी अंदरला आपा उस प्रभु दे चरणा नाल जोड़ के गल थोड़ी ध्यान च रखियो अपने आप नूं राम दे दास बना के जिंदगी बतीत कीती रत्ती भर भी होमै नहीं बोली। जे गुरु अमरदास जी दे घर रहिंदे आ है ते रिश्ते विचों दमाद लगदे ने ना गुरु अमरदास जी सौरा लगदे ने ना गुरु अमरदास जी ने सौरे वाला ते ना भाई जेठा जी ने जवाई वाला रिश्ता ओ अंदर दी भावना विच रखिया। शरीरक नाते जुड़ जाने गल होर सी पर अंदरों सुरत दा नाता शब्द नाल जुड़ के धन गुरु अमरदास जी दे काबल जिंदगी बना लैनी ओ गल कोई होर सी। इस पौड़ी विच भाई गुरदास साहिब जी कहंदे ने ए एक अजर वस्तु सी जो जरी जान वाली नहीं सी। जे गुरु अमरदास जी दे पुत्र बाबा मोहन जी बाबा मोरी जी ध्यान च रखियो उन्हां दे एक दामाद होर भाई रामा जी ए हुण सारे ने पर ए अजर वस्तु नूं ओ जर नहीं सके। कदी गल ध्यान च रखियो जे बाबा मोरी जी दी गल करिए दरबार विच आउंदे ने संगत विच बैठदे ने ते ध्यान पता कित्थे जांदा है गोलक बड़ी आ रही है माया बड़ी आ रही है ते मन विच चितवनी चितवदे ने इन्नी माया किते मैनू आखण ना भी तुसी गिनो ते मैं अपने हथा नाल एक लाख टका कभी नहीं देखा मैं कदी लख टका हथा नाल गिना ते बड़ा चाह चढ़ जाए।
धन गुरु अमरदास पातशाह जानी जान सतगुरु कहंदे ने मोहरी जी आई संगत दी अज सारी माया तुसी गिनो लो माया कठी कीती कपड़े विच बन्नी कागजां दी करंसी नहीं सी पैसे टका चवानी अठियानी रुपया ए करंसी चल गई माया बन्नी ले गए दरबार विच इन्ने किन्ने दिन आए हुण लख टका गिनना कोई सौखी गल सी गिनते रहे जो आए संगत विच ना ते सतगुरु कहंदे भाई मोहरी जी बड़े दिन गुजर गए संगत विच नहीं आए आ हाथ क्यों काले ने कहन लगे महाराज इन्ना टका सी ना इन्नी माया सी ओ गिंदियां गिंदियां उस सिक्के दी कालख हाथां नूं लग गई साबण नाल धोया भी लथी नहीं ते सतगुरु कहंदे ने मोहरी ए माया है इस नूं गिनिए ते हाथ भी काले ते अंदरों मन भी काला हो जांदा है इस नाल गुरु दरबार विचों माया गिंदियां गैर हाजरी होई इत्थे ही बस नहीं इस माया नाल ध्यान जुड़िया करते दे दर तो भी गैर हाजरी होई मैं बेनती करा बाबा मोहन जी ने वो बिल्कुल उपराम बिरती दे वो अंदर बैठे रहन वाले चुबारे विच दरवाजा बंद करके बैठे रहन वाले ए आजार वस्तु नू मैं बेनती करा ना भाई मोरी जी जा सके ना बाबा मोहन जी जा सके ना भाई रामा जी जा सके ए धन गुरु रामदास पातशाह जी दे हिस्से अमोलक दात आई हुण गुरु अमरदास जी नाल ले आए ने बहुत अजीब जिहा इक थां है बेरियां दा झुंड इत्थे इक ढाब है पानी जिथे थोड़ा खलोता रहिंदा इत्थे आए ने ते थोड़ी गल ध्यान च रखियो जिहड़ा पूरन ताल खटाया इस दा पिछोकड़ बड़ा महत्वपूर्ण है जदों गुरु नानक पातशाह जी आए ने तोंग पिंड दे लागे बैठे ने जिथे बाबा बुढ़ा साहिब जी दा मिलन होया सी बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं अज सतगुरु कहंदे ने नाम रखिया सी बुढ़िया उम्र छोटी सी 12 साल उम्र पर नाम रख दिता सी बुढ़ा आख्या बुढ़िया ओ पिछे जो ढाब है ना जे उत्थे पानी दा कमंडल भर के लेके आ ते बाबा बुढ़ा साहिब जी आख्या सी जी मैं उत्थों ही लंघ के आया ओ ढाब ओ पानी दा जखीरा सुक्का पिया है ते धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने बुढ़िया बचन मन ते जा सुका नहीं है हुन कमंडल ले लिया बचन मनिया चल पाए जदो पहुंचे ते की वेखदे ने नका नक कुंगू वर्गा निर्मल जल भरिया पिया कमंडल भरिया ले आए पास आए ते गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहंदे ने बुढ़िया दस ओ पानी सुका पिया सी के भरिया होया सी महाराज ओते नको नक स्वच्छ निर्मल जल नाल भरिया पिया सी ते सतगुरु कहन लगे ए जद तक दुनिया रहेगी ए ताल कदी नहीं सुकेगा सदा हरिया भरिया रहेगा गल थोड़ी ध्यान च रखियो ए ओ पूरन ताल सी जिस नूं गुरु नानक दे बोलां ने भरिया ध्यान च रखियो इस नूं छोटे जे जखीरे वाले ताल नूं पूरन ताल खटाया आ पूरन ताल तो गल ध्यान च रखियो ए छोटा जिहा सी ए थोड़ा सी ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी आप आए ने क्योंकि उन्हां दे बचन ए जिहड़ा अमृत सर शब्द आया ना ए धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे बोलां चों निकलिया महला तीजा श्लोक वारां ते वधीक महला तीजा अमृत सर सिफती दा घर जिथे कहा ना लाहौर शहर अमृत सर सिफती दा घर इथे अमृत सरोवर लगाना आप नक्शा दिता ने आप लकीर मार के दसिया ने इतना वड्डा ए सरोवर इसकी खुदाई तुसी करो
धन गुरु अर्जन देव जी ने सोही महला पंजवां दे बोलां विच लिखिया जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या कनी जिन्ना ने इस ताल वास्ते उद्यम किया यतन किया संगता नाल लगियां धन गुरु अमरदास महाराज जी दे चरण पए धन गुरु रामदास पातशाह जी दे चरण पए धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे जिथे चरण पए जिथे बहुत सिमरन अभ्यासी गुरु किया संगता ने नाल इस सरोवर की खुदाई की ओ पूरन ताल खटाया खटाया दे अर्थ ने खदवाया संतां नू नाल लेके इस सरोवर नू बहुत सुंदर ढंग नाल खदवाया ते अमृतसर विच जोत जगावे ए सच सी उस सरोवर दा जल ओ अमृत सर सर दे अर्थ ने सरोवर ओ अमृत सरोवर अमृत सर कहलाया ते मैं एक बेनती कर दिया अज उस अमृत सर सरोवर तो जो शहर वसिया उस शहर दा नाम भी श्री अमृत सर साहिब हो गया। दुनिया भर विच कोई ऐसा शहर नहीं जिथे धन गुरु रामदास जी की बरकत नाल सरोवर का नाम भी ओ वे ते शहर का नाम भी ओही रखिया जाए। ये अमृतसर शहर ओ शहर है। मैं बेनती करा जिथे पांच सरोवर ने रामसर साहब बिबेकसर साहब कौलसर साहब अते संतोखसर साहब ते पंजवा है श्री अमृतसर साहिब। ओ अमृतसर दे इस पावन शहर दी बरकत बख्शिश नाल एक ऐसी जोत जग गई। छोटी जी एक गल ध्यान च रखियो जो ओ जोत सी शब्द जोत ओ शब्द जोत ऐसी जगाई उसे सचखंड हरिमंदर साहब जी की सिरजना कर दिया। मैं बेनती करा धन गुरु अर्जन देव जी ने फिर आई कर अर्जना पुत संसारी गुरु कहावे ओ धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ओ गुरु रामदास जी की बरकत ते बख्शिश नाल उस सरोवर दे विचकार जो हरिमंदर साहब की एक अमोलक बख्शिश करके शब्द गुरु का पहला प्रकाश हरिमंदर साहब अंदर करके एक ऐसी जोत जगी। मैं बेनती करा जिस नाल कह सकते हैं दीपक ते दीपक प्रगाशिया तेरे पवन जोत दिखाई ओ मेरे मालिक दी रहमत हो गई अमृतसर विच जोत जगावे। अज जरा धन गुरु रामदास महाराज जी दे असी नगर विच रहन वाले इस नगर दी महिमा ते सिफत करिए ते मैं बेनती करा पूर्ण तौर ते कीती नहीं जा सकदी अमृतसर सिफती दा घर इन्हां बोलां नूं जरूर ध्यान च रखियो जो अमृतसर विच जोत जगावे किड्डी बख्शिश रहमत होई हरिमंदर साहिब दा पावन स्थान भी अमृतसर साहिब ते ए शहर भी श्री अमृतसर साहिब नाल जानिया जांदा। जदों भी असी रोज अरदास करदे हां साडी अरदास दे बोल सानू अमृतसर लै आउंदे ने भावे कोई दुनिया भर दे हजारां मील विदेश विच बैठे भी गुरु के सिख होवनगे ओ भी जदों अरदास करदे सुबह ते शाम अरदास करदे श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। ओ रामदास सरोवर निका जो नावे सो कुल तुरावे उदार हो है जी का। ओ रामदास सरोवर निका है ओ भला है ओ आला है ओ वधिया ओ अपनी थां ते आप अपनी महिमा रख दे। इस नूं तशबीह नहीं दित्ती जा सकदी भी ये अमृतसर साहिब इहो जिहा। मैं बेनती करा इस नूं किसे दी उपमा नहीं दित्ती जा सकदी ये अमृतसर साहिब च आउंदिया मस्तक चुक जांदा है ते बहुत सारे गुरु के सिख ऐसे ने जो अमृतसर शहर दी जू विच ही प्रवेश करदे ने। गल थोड़ी सारी ध्यान च रखियो शायद असीं इह काम ना करदे होईए जदों भी अमृतसर शहर च प्रवेश करिए प्रवेश करदिया ही मुखों निकलना चाहीदा है
धन श्री गुरु रामदास जी। सारे आखो धन श्री गुरु रामदास जी। असी भागां वाले दुनिया भर विच ऐसा बैकुंठ धाम, ऐसा बैकुंठ स्थान मैं बेनती करा किते नहीं मिलेगा जो अमृतसर विच जोत जगावे ते बाणी धन गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश करके ए गुरु का चक रामदासपुर श्री अमृतसर साहब। तीन नाम इस शहर दे तजवीज होए। पहला नाम सी गुरु का चक, ते चक दे अर्थ हुंदे ने अज भी तुसी राजस्थान दे लाके गंगा नगर वल चले जाओ ना ते छोटे छोटे इत्थे 100, 200, 400 घरां दा नवा नगर वसदा है उहनू चक किया जांदा है। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਪਤਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਸੰਗਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਵਸਦੀ ਨਗਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਐਡੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਿੱਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਘੜਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 14 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 14 ਦੇ 14 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਰਾਮ ਬਾਗ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਗੇਟ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਕੀਮਾਂ ਗੇਟ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਗਿਲਵਾਲੀ ਗੇਟ, ਚਾਟੀ ਵਿੰਡ ਗੇਟ, ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਗੇਟ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੇਟ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗਿਣਦੇ ਜਾਇਓ ਤੋ 14 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਭ ਹਾਟ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸਭ ਹਾਟ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ਜੇ ਜੀਆ ਡੰਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ
आउणगे, इत्थे व्यापारी भी होणगे। शाह व्यापारी एक है थाट, जे जिया डन को लै ना जगात, इत्थे मसूल नहीं लगेगा, इत्थे चुंगी टैक्स नहीं होवेगा, कोई डन नहीं लाएगा। ते सच ऐसी गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, इत्थे आउण वाले नू शहर विच माल लियाउण वाले नू चुंगी टैक्स जेजिया नहीं लगेगा, ते जदो परलोक गमन करेगा उत्थे धर्म राज दी कचहरी विच जांदे आ, ओ जिहड़ा जम जगाती लूटा है ना, उत्थे जमा दा भी टैक्स नहीं उहनां नू लगे। ओ गुरु रामदास जी दी बरकत नाल सुंदर शहर वसाया। इत्थे की किया, दित्ता लिया अपना अन दित्ता, किछ हाथ ना आवे किवें धन। गुरु रामदास पातशाह जी ने निम्रता विच अधीनगी विच, गुरु अमरदास है ते रिश्ते विचों सौरा परिवार सी, पर ना अपने आप नू जवाई बनाया, ना उन्हां नू सौरा जानिया, ना आकड़ हैंकड़ विच रहे, निम्रता विच भरे होए, किवें सेवा निभांदे गए। इस गल सच है, जेड़े दरखत फलां नाल भरदे ने ओ निभदे ने, ओ चुके रहिंदे ने, ते जेड़े झुकदे नहीं ओ फलां तों खाली हुंदे ने। ए झुकदे रहे, ए है दित्ता लिया अपना, किवें निम्रता विच सेवा करत ना छोड्यो पास। जे सिर ते मिट्टी दी टोकरी ढोण लगे ने, मैं बेनती करां, परवाह नहीं कीती, मैं मिट्टी ढो रहा। ए सच है, लाहौर तो आए शरीके वालिया ने वेख्या सी, सुनिया पहला ते ओ रुले फिर दे भाई जेठा जी नू, गुरु अमरदास जी ने अपना दमाद बना लिया, अपनी बेटी ब्याह दिती है, चलो वेख के आइए। आए आके वेख्या, हुण चाचा मंगलदास बोलिया, ओए जेठिया ओए एक ही करदा पे, ओ रोटी खान पिछे सौरे घर मिट्टी ढोंदा, अगर मिट्टी ढोनी सी ए मजदूरी करनी सी ते किधरे होर कर लेंदे हो, तू ते साडे सोढ़ी कुल दे सिर विच मिट्टी पिया पौंदा, तू टोकरी विच ते मिट्टी पौंदा ही पौंदा। जदों टोकरी विच मिट्टी पौंदा सानू इंज लगदा जिवें साडे सोढ़ी कुल दे सिर विच मिट्टी पा रहे हैं। मैं बेनती करा ते धन बाबा अमरदास जी नू कहंदे ने, लो जी ए ते लाचार सी, ए ते यतीम सी, बेसहारा सी, जे तुसां तरस खा के अपनी धी दा रिश्ता इन्हां नाल कर ही दित्ता है, ते घट्टो घट्ट ए ते वेख दे ए साडा जवाई लगदा है, इस दी इज्जत करिए, तुसीं इस तों मिट्टी ढवाउंदे चंगे लगदे हो। ते धन गुरु रामदास महाराज अगां वध के हथ जोड़ गुरु अमरदास जी नूं कहंदे ने, जी ए अणजाण ने हुणे हुणे संगत विच आए ने, संगत दी महत्ता तो वाकफ नहीं है, इन्हां ने आप जी प्रति बोल चंगे नहीं वरते, आप जी मुखो इन्हां नूं कुछ ना आखियो, जे ध्यान च रखियो। ते जदों ए आखिया ना, ते धन गुरु अमरदास जी ने दो बोल मुखो आखे, कहन लगे तुसी आखदे हो ए सोढ़ी कुल दे सिर विच मिट्टी पा रहे हैं, असी आखते हैं सोढ़ी कुल की ए सारी सृष्टि नूं तारन वाले होणगे। सोढ़ी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई, ए सच सी ओ बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै दी बख्शिश रहमत नाल निवाजे गए। ते एक मैं बेनती करदे आं, ए है दिता लिया अपना अन दिता, किस हाथ न आवे किवें अपना आपा दे दिता, अपनी हिरदे दी श्रद्धा अपना प्रेम अपनी भावना गुरु दे अगे भेट कर दिती, किवें निम्रता विच भरिया होया अपना हंकार भेट कर दिता। ते सच ए सी अज जो देवांगे ओही साडी झोली विच पएगा, ए गल जरूर ध्यान च रखियो। जे दसवंध दी भेटा गुरु अगे भेट करा
उतरांगे माया दे अतोट भंडार भरनगे जे तन करके सेवा विच जुड़ांगे इस तन ते बरकतां ते बख्शिशां होवनगियां जे मन करके अंदर श्रद्धा भावना प्रेम एकाग्रता ते गुरु दे शब्द नूं अपनाउण वाली बिरति रखांगे ते मन नूं अमोलक खजाना सतगुरां दी रहमत नाल झोली विच पाएगा ते जे आखिए दईए कुछ ना अमृत वेला ना गुरु अगे रखिए मैं बेनती करा समा कट के नितनेम अगे ना रखिए अमृत वेला गवा लिया नितनेम गवा लिया सच करके जानियो दसवंद दी माया सेवा विच लाउन तो अंदरला आपा संकोच करके सेवा गवा गया ते आन दिता किछ हाथ ना आवे मैं बेनती करा मैनू एक धर्म ग्रंथी गाथा ध्यान च आई एक कंजूस बंदा बहुत कंजूस उस दे घर वाली दे भतीजे की शादी सी ओ हुण अपने पेके घर आई पेके घर आई ते कंजूस नूं याद आ गया मैं तगीत करनी भुल गया उथों हुण टैलीफोन मिलाया आ मोबाइल नहीं सन हुंदे लैंडलाइन वाले फोन हुंदे सी फोन मिलाया अगो हुण उसकी साले यार फोन चुकिया तो पुछदी हां जी लाला जी क्या बात है अपनी भाषा विच क्या बात है वो कहंदा मैं शांति से बात कराइयो लो उन्हें दूजे पासियो दूसरा रिसीवर भी चुक लो भला गल की कर दे हुण उसनू कहंदा भतीजे की शादी पे गई हो लेन देन होशियारी से करियो ध्यान च रखियो की कहंदा है भतीजे की शादी पे गई हो लेन देन होशियारी से करियो ते ओ अगो पुछदी है मुन्नी के लाला जी मुझे समझ को ना आवे ते कहन लगा देख लेन लेन करियो देन मत करियो ध्यान च रखियो की कहंदा लेन लेन करियो जेड़ा सगन मिले उन्हां वल्लों मिले ओ ते लै लई पर देवी ना लेन लेन करियो देन मत करियो उधरो रिसीवर चुकी बैठी सी साले हार ओ कहंदी जी लाला जी हमारे रिवाज है जो देन देन करे वो ही लेन लेन लेवे जे दियोगे नहीं कहंदा कुछ नहीं कहंदी कुछ नहीं मिलना ये हकीकत है अज समाज विच भी जे तुसी किसे शादी विआह रिश्तेदारी च जांदे हो उथो देवोगे नहीं कल नूं साडे काके दा विआह होवेगा सानू कौन देन आएगा ये ते हकीकत है ना दिता लिए अपना अन दिता किस हाथ ना आवे आज संगत विच आयो मैं बेनती करा समा दिता जे ये समा पता नहीं बदले विच किन्नियां बरकतां लेके आएगा जेड़े अमृत वेले सचखंड हरमंदर साहिब जाके उथे समा लाके आउंदे ने भावे लंबियां कतारां लगियां होण मैं बेनती करा गुरु के सिख नूं चा हुंदा मेरे तीन घंटे जे लाइन विच लग गए ने ते गुरु रामदास जी दे खाते विच पै गए ने सत श्री अकाल अज हर रोज वेखदे हो किवें हजारां दी गिनती विच नहीं लखां दी गिनती विच संगतां ओ कतारां विच खलोतियां पर घबरांदियां नहीं अंदर चा भरिया इह समां गुरु रामदास जी दे लेखे विच पै रही है जे सेवा भेट कीती ते धन गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लेखे विच पै रही है ते जो देवांगे ओ साडे हथ आएगा अज एक गल ध्यान च रखियो एक है बाहरी कदम शरीरक समा धन संपदा दा भेट करके कुछ देना ते अगली गल बड़ी खास है अंदर दी सुरत नूं टिका के जदों सुरत शब्द दे घर विच लजा के सुरत देवांगे बदले विच शब्द मिल जाएगा ते जे सुरत ना दित्ती की कहंदे आ सुरत दियो जी की कहंदे आ ध्यान दियो आम शब्द वर्त दिया ध्यान देना सुरत देना गल ते देन दी है दित्ता लिया अपना अगर ध्यान दित्ता अगर सुरत दित्ती ते शब्द मिल गया भावें कीर्तन चल रहा हो
अगर ध्यान नाल उस शब्द विच जुड़ जावांगे शब्द दा रस भी आएगा उत्थे धन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु रामदास जी दी बरकत भी आएगी अगर सुरत दे के संगत विच बैठे ये कह लीए वो बख्शिश दी बरकत झोली विच पै के अज धन गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां ने वो बख्शिश प्राप्त की अगों ओ हैन ते पुत संसारी सन ध्यान च रखियो हैन गुरु अर्जन देव जी पुत संसारी सन पर गुरु हो गए जिवें मैं पहला अर्ज की है ते ओ आम बूटा सी पर चनन हो वै चननो को चलत न जाने दी बख्शिश हो गई बस फिर ये कह लिए चली पीढ़ी सोडियां वाली ओ बख्शिश के जान न देसा सोडियों होरस अजर ना जरिया जावे घर ही की वथ करे रहावे ओ गुरु रामदास जी दी बरकत अगो गुरु अर्जन देव जी कोल अगो गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी कोल अगो गुरु हर राय साहिब पातशाह जी कोल अगो ओही बरकत गुरु हरकृष्ण साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ओ घर ही की वथ करे रहावे ओ बख्शिश लेके सारे संसार नू बरकतां नाल झोलियां भरियां ओ धन गुरु रामदास पातशाह जी दे आगमन पुरब नू समर्पित अज दे ए सत संगत विच गुजारे समय नू गुरु रामदास जी ने प्रवान कीता साडियां झोलियां अदृष्ट रूप विच भर रहे ने ते भरदे रहणगे ते सच ए है जेड़े सचखंड हरिमंदर साहिब गुरु रामदास जी दे दर नाल जिन्नी श्रद्धा भावना नाल जुड़नगे जेहा सतगुर नूं जानिया ते हो जेहा सुख होए इहो सहसा मूले नहीं भाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए अगर अंदर पाओ प्यार रखांगे ए समझ लेना गुरु रामदास पातशाह जी दे दर दियां बरकतां नाल झोलियां भरदियां रहणगियां अमृत वेला संभालियो नित नेम संभालियो अपना जीवन को संगत तो बचायो धन गुरु रामदास जी दे दर नाल जुड़े रहो ते एक गल मैं ये कह लवां अगर रामदास सरोवर दा इशनान हुंदा रहे ते भुल के भी ना जानियो मैं पानी विच नहा के आया ये है रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपूरा की निदाना ओ गुरु रामदास जी दा सरोवर जिथे गुरु नानक दे बचन ने जिथे गुरु अमरदास जी दे चरण ते धन गुरु रामदास पातशाह जी ने इस सरोवर नूं आप खदवाया ते चरण पाए गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर पक्का कीता ते बड़ियां बख्शिशां रहमतां नाल उस सरोवर नूं अकेला पानी नहीं रहन दिता बल्कि दिन रात हरिमंदर साहिब जी दे अंदरों उठदियां ओ पानी दियां धुनां नाल ओ पानी ते बाणी दे समेल नाल एडा वड्डा अमृतसर सरोवर बना दिता गया लखां इशनान करन ते चिक्कड़ नहीं उठदा मैं बेनती करां गुरु रामदास जी दियां परकर्मां विच लखां दा इकट्ठ होवे ते किसे दा साह नहीं घुटदा ओ धन गुरु रामदास पातशाह जी दे आगमन पुरब दियां समूह संगतां नूं हार्दिक तौर ते बेअंत वधाइयां हार्दिक तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज धन गुरु रामदास पातशाह जी दा कोटान कोट धन्नवाद मैनेजर श्री दरबार साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह प्रबंध दा हार्दिक धन्नवाद इस गुरु घर दे समूह प्रबंधक साहिबान ते आईयां संगतां नूं जी आया कहिंदे आ सारिआं दा धन्नवाद ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
भाई गुरदास जी दे इन्हां बचना मुताबक सतगुरां दियां सिफतां बड़ी ही भावना नाल आप संगत ने सरवण कीतियां ने। ज्ञानी जी दा दिल दियां गहराइयां चों समुची ही संगत वल्लों इस पावन स्थान गुरद्वारा सिंह सभा दर्शन एवीन्यू समूह प्रबंधक कमेटी मैनेजर श्री दरबार साहब समुचे प्रबंध वालों श्रोमणी कमेटी के समुचे प्रबंध वालों धन्यवाद किया जाता है जिथे ज्ञानी जी ते सतगुरां दी अपार बख्शिश बोलां राही संगतां दी सेवा करदे ने उत्थे बहुत सारियां लिखतां किताबां दे रूप विच भी इन्हां ने कौम दी झोली विच पा के पंथ दी वड्डी सेवा कीती है। सतगुरु मेहर भरिया हथ रख के ज्ञानी जी दे बोलां ते भी इसे तरह मेहर भरिया हथ रखण ते हथ दी कलम राही भी ताकत बख्शण ताकि मेरे वर्गियां नूं भी बोलण दी जाच आउंदी रहे ते असीं भी बोल के संगतां नाल सांझ पाउंदे रहीए। सो साडे विच बहुत सत्कारयोग ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब साडे विच पहुंचे ने स्टेज ते सज रहे ने भाई साहब होनी नाल संगत जी जिथे भावना नाल आप जी गुरद्वारा सिंह सभा दर्शन एवीन्यू अज धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित समागम की हाजरी भर रहे हो। कल साध संगत इसे तरीके दे नाल गुरद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी अजीत नगर ईस्ट मोहन नगर उत्थे रात दे विशेष समागम होने ने। मैं वेख के बड़ा प्रभावित हुन्ना हाँ संगतां नूं जदों इन्हां समागमां विच सेवा मिलदी है हाजरी लवाई दी है ते उन्हां संगतां दे चेहरे सामने नज़र आउंदे ने जिहड़ियां नेम नाल 15 सितंबर तो लैके अज तक चल रहियां ने। उन्हां संगतां दा भी धन्नवाद करदे आं ते सतगुरां दे चरणां 'च अरदास भी है कि दाता जी आउण वाले सारे समागमां विच महाराज उन्हां सारियां संगतां नूं तंदरुस्ती ते चढ़दी कला नाल अपने दर घर दी सेवा करन दा बल बख्शण। नाल संगत जी एक यतन जिथे 17 अक्तूबर तक रात के समागम ने 18 अक्तूबर विशेष नगर कीर्तन जेड़ा उदा रूपरेखा इन्हां 12 गेटां दे 14 गेटां दे वाले पासे नाले नाल चलनी है ते ये रूपरेखा हर साल उसे तरीके नाल मैनेजर श्री दरबार साहब के समुचे प्रबंध वालों संगतां दा सहयोग लैके कीती जांदी है ते आप जी ने 18 अक्तूबर नूं दुपहरे 12 बजे जो श्री अकाल तख्त साहब तो महान नगर कीर्तन आरंभ होना है उहदे विच शामिल होने की कृपालता भी करनी जी। नाल ही 18 अक्तूबर रात्रि दे 10 बजे नगर कीर्तन आरंभ हो जाना है। खालसा ही जाहो जलाल दे नाल आपां यतन करना है 9:30-10 तो पहला पहला उस स्थान पर पहुँच जाइए क्योंकि रात्रि का समा बाद विच लेट हो जाता है इस करके नियत समय विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 10 बजे के करीब अरदास करके श्री अकाल तख्त साहब के पावन स्थान तो यह नगर कीर्तन की आरंभता कर दी जाएगी। नाल ही बेनती है कि 18 अक्तूबर रात्रि दे राग पड़ताल कीर्तन दरबार गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे होने हैं। उत्थे भी आप जी ने धन गुरु रामदास पातशाह जी की बाणी जो 30 रागों में महाराज ने उच्चारण की है उन्होंने रागों के रागी सिंघां ने जिहड़ी मेहनत करके बड़े प्यारे शब्द आप जी नाल सांझे करने हैं उहदा रस मानना है। 19 अक्तूबर नूं पूरा दिन गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल दीवान सजणगे अते नाल रात दे कवि दरबार गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल अते श्री अकाल तख्त साहब विखे भी हर साल की तरह नेम मुताबक रात्रि दे विशेष दीवान होणगे। नाल ही 19 अक्तूबर नूं साध संगत धन गुरु रामदास पातशाह की वड्डी बख्शिश वरतनी है। 5 प्यारे साहिबान ने अमृत का बाटा तैयार करके अमृत की दात वरतानी है। जिन्हां अजे तक अमृत की दात नहीं ली ये बचन भी चेते रखना है कि निगुरे का है नाउ बुरा असी निगुरे नहीं रहना गुरु वाले बनना है ते गुरु रामदास पातशाह दियां खुशियां लेंदे अमृत छक के गुरु वाले बनीए। सो आओ गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिथे बड़े प्यार नाल आप जी जुड़े हुए हो आओ भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब उन्हां पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन बेनती करांगा 9:30 बजे तक नाल ही आनंद साहब पढ़नगे भाई साहब जी बड़े प्यार नाल रस भिन्ने कीर्तन का आनंद माणिए। मैनेजर श्री दरबार साहब सरदार अजय सिंह जी विशेष तौर पर नाल पहुँच के प्रबंध वेख रहे ने नाल वीर अमरजीत सिंह जी वीर जसपाल सिंह जी खजांची साहब पहुंचे हुए ने। इस स्थान की समुची ही प्रबंधक कमेटी सरदार सुखदेव सिंह जी सरप्रस्त प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह जी सकत्तर सरदार लखबीर सिंह जी खजांची सरदार गुरदीप सिंह जी अते नाल ही प्रबंध विच सेवा करदे आ मैंबर साहिबान सरदार सरबजीत सिंह सरदार धर्मजीत सिंह
सरदार हीरा सिंह सरदार गुरजीत सिंह सरदार कश्मीर सिंह सतनाम सिंह जी समुचे ही मैनेजमेंट वालों आप रब वर्गियां संगतां जीव आया नाल धन्नवाद है। आओ एक बार सारे गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के चरणों में सुरत नूं टिकाईए ते प्यार नाल सारी संगत कह दिओ धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे दर ते बेनती करिए एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ते जिनू कीर्तन दी हाजरी मिल गई समझ लो गुरु रामदास पातशाह ने अपनी शरण बख्श दिती हुई है। आओ आनंद माणिए पावन बाणी दे कीर्तन दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ सब तेरी वड्याई कोई नाम ना जाने मेरा डंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ समर्थ डोलन तेरा को प्रभु 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 नानक दे कर हथ निमाने ओ के मान निताने ओ के तान ने ओटों की ओट ने आसरियों के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज हर चरण शरण कल्याण करन हर चरण शरण कल्याण करन
बस मेरे प्यारिया, बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारिया, बस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन बस जियो, हर कर कृपा मन बस जियो, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन बस जियो, हर कर कृपा मन बस जियो। मन चिंदे अड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुर पूरा वेद विगस जियो, मन चिंदे हर नाम मिले सुहागनी मेरे गोविंदा, मन अन दिन आनंद रहस जियो, हर नाम मिले रहस जियो, मन अन दिन आनंद रहस जियो, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन
हर कर कृपा चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा मन चिंदेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जियो हर नाम मिलया बड़पागी मेरे गोविंदा हर नाम मिलया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनद रहस जियो हर पायड़ा वड़ पागी मेरे गोविंदा हर पायड़ा नित लैला मन हस जियो हर पायड़ा
बड़भागी मेरे गोविंदा नित लैला मन हस जियो नित लैला मन हस जियो बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन बस जियो हर कर कृपा श्री सतनाम करता पुरख श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव बेरंच तर ध्यान नितै जिस वेद बखान शिव बेरंच तर ध्यान नितै जिस वेद बखाने नितै जिस वेद बखाने श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई निरंकार निर्वैर
अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गड़न समथ तरण तारण प्रभु सोई। पंजन गड़न समथ तरण तारण प्रभु सोई, तरण तारण प्रभु सोई। श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे, श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारसे, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारसे, जन मथुरा रस नारसे। श्री सतनाम करता सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसे। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, अगम अनंत अनाद आद जिस कोए शिव बेरंच तर ध्यान नित है जिस वेद बखाने, शिव बेरंच तर ध्यान नित है जिस वेद बखाने, नित है जिस वेद बखाने। श्री सत thank you।
जोनी पर रोके फिर जोनी पर मैं रोग बंध रहन रती न पावे रोग बंध रहन रती न पावे बिन सत है ना जावे बिन सतगुरु रो सतगुरु जोनी रोग रहत मेरा सतगुरु जोनी पार ब्रह्म जिसकी नींद दया पार ब्रह्म जिसकी नींद दया बाह पकड़ रोगों कड़ लया खाली ना रहे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बैठा सोढ़ी पातशाह राम सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे महान आगमन पुरब नूं आप सारे बड़े श्रद्धा ते प्यार दे नाल मना रहे हो। सतगुरु पिता जी रहमत करन आप सबना दियां हाजरियां गाव्या सुनिया सेवा काल कीती हुई सतगुरु जी दर ते प्रवान करन अपने दरों करों गुरसिखी जीवन खंडे बाटे दी पौल बख्श के निहाल करन, क्योंकि गुरु प्यारियो साढ़े कलजुगी जीवन ते तरस करके गुरुआ ने सानू एक खंडे बाटे दी पौल एक ऐसी जुगत दिती है बख्शिश कीती है जिस पौल नू छकण करके असीं निगुरियां तो गुरु वाले बन जाने ते सानू वो कीमती गुरमंत्र की बख्शिश प्राप्त हुंदी जिन्नू असीं जप जप के परमेश्वर की बंदगी दे राह ते तुरना ते परमेश्वर नू मिलना है। इस करके जे गुरां दे नाल प्यार है ते रिश्ता चाहुंदे आ गुरु दा ते सिख वाला साडा रिश्ता बन जावे उहदा फिर इक्को ही तरीका है कि गुरु वाले बन जाइए खंडे बाटे की पौल छक लईए। यही इन्हां समागमां दा सारा मनोरथ है। समूह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचा श्री दरबार साहब जी का प्रबंध सारे गुरमुख प्यारे जिस जिस अहदे ते भी बैठे हैं सारे वधाई दे पात्र हैं धनता दे पात्र हैं जिन्हां पासों सतगुरु जी ये सेवा लै रहे हैं जितने भी पूरे इस अमृतसर शहर के जितने भी गुरमुख प्यारे प्रबंधक कमेटियां इत्थे दी प्रबंधक कमेटी सारे ही वधाई दे धनता दे पात्र हैं जो इन्ना उदम सतगुरां दी बाणी दे प्रचार प्रसार वास्ते कर रहे हैं। सतगुरु जी इन्ना सारे ही गुरमुख प्यारियां दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन सबना दी सेवा काल कीती हुई अपने दर ते प्रवान करन। सतगुरु जी रहमत करन कोटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दा आप सब संगतां दा समुचे प्रबंध दा दासरां कोलों कीर्तन करदिआं होइआं बेअंत भुल्लां हो गईआं हन गुरु पिता सरबत संगत बख्शनहार है बख्श लैणा जी। सो आओ हुण बड़े प्यार नाल आनंद साहिब जी की बाणी दा जाप करिए जी।